सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी मीटर ऑफ कैनवस 1.25 मीटर वाइड विल बी नीडेड टू मेक अ कॉनिकल टेंट हुज बेस रेडियस इज 17.5 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर। ठीक है, देखिए यहां पर एक हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक कैनवस है हमारे पास 1.25 मीटर वाइड है, जो वो कितना चाहिए होगा जिससे कि एक कॉनिकल टेंट बनाया जाए जिसका बेस रेडियस है 17.5 मीटर और जिसकी हाइट होगी 6 मीटर। ठीक है, मतलब एक कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है, एक कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी, वो हाइट गिवन है 6 मीटर और इसका बेस रेडियस गिवन है, ये रेडियस हमारे पास 17.5 मीटर है। ठीक है, तो इसमें कितना कैनवस यूज होगा, मतलब कितना कपड़ा लगेगा इसके अंदर, वो जो कपड़ा लगेगा स्टूडेंट्स वो लगेगा इसके कर्व सरफेस पर, मतलब कुल मिला के हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया पे कितना कैनवस यूज होगा तो उस कैनवस की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी स्लैंट हाइट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल देते हैं इसकी स्लैंट हाइट, हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसका रेडियस गिवन है 17.5 मीटर, हमें इसकी हाइट गिवन है 6 मीटर, तो सबसे पहले निकाल देते हैं इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का एक फेमस फॉर्मूला है हमारे पास जो हर क्वेश्चन में लग रहा है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में लग गया है, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां पर एच और आर दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू हमारे पास 6 है और आर की वैल्यू हमारे पास 17.5, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये होगा 6 का स्क्वायर रूट 36 होगा और 17.5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 306.25। ओके, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी हमारे पास 342.25। क्लियर, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप तो ये मिल जाएगा 18.5 मीटर। इसका मतलब हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई है, ये स्लैंट हाइट 18.5 मीटर आ चुकी है इसकी। अब इसका आसानी से कर्व सरफेस एरिया निकाला जा सकता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट इज पाई आर एल। ओके, तो पाई आर एल वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे क्योंकि यहां पर कोई और वैल्यू गिवन नहीं है, पाई की कितनी लगानी है, 22/7 इज बेटर। ठीक है, और आर, व्हाट इज आर, रेडियस इज 6, सॉरी रेडियस इज 17.5, इट इज 17.5। ठीक है, और एल कितना है, एल अभी हमने निकाला है 18.5। क्लियर, यहां 17 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, इट इज 7 × 2 = 14 एंड 3 × 7 = 35, 2.5 आ चुका है। ठीक है, और बाकी आप इसकी मल्टीप्लाई ना करें चल जाएगा, 22 × 2.5 × 18.5, सो दिस इज द मीटर स्क्वायर, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। तो अब देखते हैं कि हमें कितना कैनवस यूज होगा, उसकी लेंथ हमें निकालनी है। देखिए कैनवस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में कोई शीट होगी इस तरह से, ठीक है, कोई शीट होगी, रेक्टेंगुलर शीट होगी कोई, और उसकी ब्रेथ हमें गिवन है 1.25 मीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें बतानी होगी, कितनी लेंथ इसकी यूज हो रही है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, तो इस लेंथ को आप एक्स बोल दो या एल बोल दो, एक्स बोल देते हैं। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द कैनवस यूज बी x, तो इस बात को लिख लेते हैं, लेट, ओके, तो x मीटर ऑफ द कैनवस बी यूज्ड, x मीटर कैनवस यूज होगी तो उसका एरिया कितना होगा, सो x इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ 1.25, दिस इज द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड, लेंथ इनटू ब्रेथ बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, इट इज इन द रेक्टेंगुलर शेप, सो लेंथ इनटू ब्रेथ उसका एरिया हो गया। अब इसी एरिया से हमें कैनवस बनाना है, इसका मतलब ये वाला एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन वो सेम होंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो निकाला है वो इसके इक्वल रख देते हैं, 22 × 2.5 × 18.5। ओके, और यहां से एक्स की वैल्यू इजिली कैलकुलेट की जा सकती है, एक्स कितना जाएगा 22 × 2.5 × 18.5 और डिवाइडेड बाय 1.25।
यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे सबको, तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं इसको, इंटू 100 हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट हटाया, यहाँ एक 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक 10 और आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 से 1 टाइम, 25 फाइव टाइम्स, और 5 से इसे काटेंगे आप, 5 थ्री ज़ा 15 एंड 5 सेवन ज़ा 35। अब हमारे पास नंबर्स बचे हैं 22 इंटू 37, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 814 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द कैनवस यूज्ड। ये कितना कैनवस यूज होगा, इट इज 814 मीटर्स।